जब भी आप लिपिड प्रोफाइल की जांच कराते हैं तो आपका पूरे का जो पूरा फोकस है वो कोलेस्ट्रॉल के ऊपर होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ही आपके खून में एक ऐसा फैक्टर नहीं है जो ब्लड के अंदर क्लोटिंग को बढ़ाता है या हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाता है। अगर सिर्फ केवल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हों और आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नॉर्मल है तो क्या आपको किसी खतरे की बात है या आपको घबराने की ज़रूरत है या उस पर आपको कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? देखिए, अगर सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स ही बढ़े हैं और अगर आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है तो ये भी एक खतरे की बात है। ये इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपको आगे आने वाले दिनों में कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं। हार्ट अटैक तो उनमें सबसे कॉमन है ही, आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज भी हो सकता है अगर ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हैं। मगर उसके साथ साथ आपको ये बताता है कि हो सकता है आप आने वाले दिनों में डायबिटिक हो जाए, आपको शुगर का खतरा बढ़ जाता है, आपको पैनक्रियाटाइटिस यानी कि पैनक्रियास पे सूजन आने की दिक्कत हो सकती है अगर आपका ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल बढ़ा हो। उसके अलावा आपको स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और भी कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं जो सिर्फ अकेले ट्राइग्लिसराइड्स के बढ़ने से हो सकती हैं। ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने के और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कई बार जैसे बीपी की दवाइयाँ होती हैं, मेटाप्रोलोल इस तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी बढ़ाती हैं, कुछ हार्मोनल थेरेपीज भी ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ा देते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि आप जो खाना खाते हैं वो आपके ट्राइग्लिसराइड्स को सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। अगर आप रेड मीट खाते हैं और अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा चिकना भोजन खाते हैं जिनमें सैचुरेटेड फूड्स, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल किया गया हो, आप बाहर का बहुत ज़्यादा भोजन अगर करते हैं, आप बर्गर्स खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं या फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स को बहुत तेज़ी से बढ़ाता है और ये फिर आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। और अगर ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल दोनों एक साथ बढ़े हो तो फिर ये 1+1 मिलके 11 हो जाते हैं, फिर तो रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपको इसको कम करने की ज़रूरत है। इसको कम करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए, कुछ नॉर्मल एक्सरसाइज आप करें, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, उसके साथ साथ खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आप ड्राई फ्रूट्स, नट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, नेचुरल ऑयल्स का इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा माना जाता है ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करने के लिए। बाकी दूसरे जिस तरह की भी चिकनी चीज़ें हैं उनको आपको बंद करना पड़ेगा। और सी फूड का बहुत बड़ा रोल है, ओमेगा फैटी 3 एसिड्स बहुत ही इसमें कारगर होते हैं। आप दवाई के फॉर्म में भी इसको ले सकते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप फिश या सी फूड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आप से ही ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल्स को या कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ दवाइयाँ भी आती हैं जैसे स्टेटिन्स वगैरह होते हैं बहुत सारे, मगर उन सब दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि आप अगर एक तरफ एक दवाई लेंगे तो हो सकता है कुछ दूसरी बीमारी आपको शुरू हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप नेचुरल तरीके से ही अपने कोलेस्ट्रॉल को कम करें या ट्राइग्लिसराइड्स को कम करें और बाकी जितने भी रिस्क होते हैं, चाहे वो हार्ट अटैक का रिस्क हो, स्ट्रोक का रिस्क हो, पैनक्रियाज में सूजन आने का रिस्क हो या फिर आपको डायबिटीज़ का खतरा हो आने वाले दिनों में, इस सबसे अपने आप को आप बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप पहली बार आए हैं, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू।